चैनल। और आज की वीडियो के लिए मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये करने का मेरा मन बहुत बहुत दिनों से था। सो फाइनली आज मैं ये कर रही हूँ। और बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं ये वाला लुक जो मैंने अभी किया है मेकअप का, मैं ये क्रिएट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसे भी प्यार दीजिएगा क्योंकि पहली बार मैं मेकअप का कुछ कर रही हूँ और वो भी बहुत बड़े दिल से। एनीवेज सो या बाकी क्या आप लोग वीडियो देखें कि मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो लेट्स मूव इनटू टुडेज़ वीडियो। सरप्राइज शुरू करते हैं हमारे मेकअप के साथ। और सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये जॉय का स्किन सूट्स फूड मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम। ओके शुरू करती होती हूँ, मतलब बेस के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आईज शुरू करती होती हूँ। तो हम सबसे पहले हमारी आईज पे ही जाएंगे, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाफ एंड हाफ का कंसीलर। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि गीला है बिल्कुल, इतना भी गीला नहीं होना चाहिए कि इसमें से ऐसे करो ना तो पानी निकले, बस थोड़ा सा ऐसे गीला होना चाहिए। और मैंने ये कंसीलर लगा लिया है, और अब इसके बाद हम अपने ही कंसीलर के ऊपर लगाएंगे लूज पाउडर। और मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का लूज पाउडर शेड नंबर 2, और मुझसे कभी कभी खुलता है। ये रहा हमारा ब्रश, ये तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आई मेकअप के साथ। आईज का बेस हो चुका है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी निका की पैलेट। जब से मैंने देखी थी मुझे सबसे लगे यार निका की पैलेट कोई ना कोई एक तो ट्राई करनी है, और फिर मैंने ये ऑटम स्पाइस ले ली। तो इसमें से हम लेंगे अपना ये ब्रश, और इसमें से हम लगाएंगे ये सबसे जो लाइट कलर है ना, ये वाला ये कलर लेंगे। इसमें से जो ये सबसे ज़्यादा डार्क आगे वाला है, ये सबसे ज़्यादा डार्क है ये वाला शेड लेंगे, और इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पर लगा देंगे, मतलब कि ये वाला। और अब हम लेंगे एक और ब्रश है, और इसमें से हम लेंगे एक शिमर शेड। इसके ना टोटल 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल 4 शिमर शेड्स हैं, और इसमें से मैं सोच रही हूँ कि ये वाला गोल्डन। थोड़ा हो चुका है, मतलब मेन वाला आई शेडो वाला हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ना मेनली जब भी हम मेकअप करते हैं तो जो हमारी आईज़ होती है ना वो मेन चीज़ होती है, कि उसमें होता है कि हम लोग कभी काफ़ी सारे कलर्स लगा सकते हैं, कभी ग्रीन, कभी ब्राउन, कभी पिंक एंड एंड। तो इसलिए आई मेकअप ऐसा करना चाहिए। और इवन जो मैंने आज मेकअप किए भी बहुत ईजी है, ऐसा कि आपने देख ही लिया होगा कि सिर्फ मैंने 3 शेड्स यूज़ किए, एक लाइट, एक डार्क और एक शिमर।
शिवन, तो उससे ही हो गया कि तुम्हें जो सबसे लाइट वाला है उसको अपनी पूरिया इस पे लगा लो, जो डार्क वाला है उसको एंड पे लगा लो, और जो शिमर है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा लो। सो यस, अब बाकी तो हम लोग करते हैं अपना बेस कम्प्लीट। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ इसलिए की थी क्योंकि जब भी हम आई शेडो लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर जाता है, जो कि अभी मेरा गिर चुका है कैमरे में, मुझे लगता नहीं दिख रहा होगा बट ऐसे गिर जाता है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी आईज कर लेती हूँ। और जो ये गिरा हुआ है इसको हम अपने ब्रश से ऐसे करके तो अब हम सबसे पहले लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास है ये फिट मी का फाउंडेशन शेड नंबर 235। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा फाउंडेशन, ऐसे करके डैप 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 करना है। फाउंडेशन अब हो चुका है और अब बारी है कंसीलर की। तो कंसीलर हम लोग मेनली लोवर, कंसीलर हम मेनली वो जगह पर लगाते हैं जहाँ पे हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि ये अंडर आईज हो गई, तो मेरे यहाँ पे छोटा सा पिंपल हुआ हुआ है उसको छुपाएंगे हम लोग, और अराउंड द माउथ और जहाँ पे भी मतलब फेस पे जहाँ पे भी डार्क डार्क है ना स्पॉट्स, वहाँ वहाँ पे लगाते होते हैं। ऐसे की लुक आ रही है जैसे कि ना ट्राइबल लुक के आते हो, वो पुराने टीवी सीरियल्स में दिखाते थे ना जैसे हमारा ट्राइबल। फाउंडेशन भी लगा लिया, कंसीलर भी लगा लिया और अब बारी है पूरे फेस को सेट करने की। और मैं वही फिर से इनसाइट का ही यूज पाउडर ले रही हूँ। तो बेसिकली सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी फाउंडेशन है वो अपनी जगह से ना हिले और पूरा ऐसे ना केक की टाइप वाला, जैसे ना बनावट टाइप वाला वैसे की फेस की लुक ना आए, वो मैं सिर के पाउडर लेंगे और जो एक्सेसरी उसको छाड़ देंगे। और फिर यहाँ पर हमने कंसीलर लगाया था ना मेनली, वहाँ पे तो हम प्रॉपर ऐसे ऐसे करके लगा देंगे तो 2 मिनट के लिए छोड़। गाइस जब भी मेकअप कर रहे हो ना कभी भी अपनी नेक को मत बोलो कि मेकअप ही ऐसा लगेगा कि पूरा मुंह ऐसे का है नेक का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे अपना सारा सुपर बंदा कर दिया एक्चुअली। ओके तो अब बारी है आईलाइनर की, और आईलाइनर लगाना फिर से मैं भी लेती हूँ आईलाइनर। ओके गाइस, तो मैं आईलाइनर ले रही हूँ, मैं लाने भूल गई, मैं सारा सामान लिया है बट आईलाइनर लगा रही हूँ। एनीवेज ये है मिला पे लिखा होगा इसके ऊपर, और जो भी है ये लोकल स्टोर से मैंने लिया था और ये इतना अच्छा है ना इसकी जो ये है ये बहुत करती है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम यही आईलाइनर यूज़ करेंगे और हम लगाएंगे एक आईलाइनर आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं बट मुझे आई लाइनर पसंद है, ऐसे बिल्कुल शीशा ना हाँ इतना भी पास नहीं बट पास करके वो थोड़ा कर लेना कॉम्प्रोमाइज। ओके
गाइस, तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आईलाइनर और काजल में से एक ही चीज़ लगाती हूँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वापस अपना आई शेडो पैलेट लेंगे और इसमें जो ये डार्क शेड था इसको हम पिक करेंगे फिर से और इसको हम अपने ये इनर वाले जो लाइन यहाँ पर लगा देंगे। जो हमने ऊपर लाइट शेड लगाया था वो लेके बाकी के अंदर वाले को लगाएंगे। हमारी आईज लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक चीज रहेगी वो है मस्कारा और ये है मेबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। ओके तो हमने मस्कारा लगा लिया और मेरी मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना मस्कारे के साथ। मैंने मस्कारा लगा लिया है और अब हम लगाएंगे ब्लशर। तो ब्लशर के लिए मैं एक ऐसे का ब्रश लूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के लिए ब्लशर पैलेट। ये अच्छा था। एनीवेज तो मेरा ब्रश किधर गया भाई? हाँ ये रहा मेरा ब्रश और ये जो मैंने एंडले पार्ट की दैट इज हाइलाइटर और हम सेम यही पैलेट में से सुपर वाला शेड है वो लेते हैं। गाइस मैं आई और दीपा को नुकसान बता देते हैं। क्या कर दिया तुमने यार? मेरा नेल ने ये खराब कर दी। हनीशा तू पागल है, अभी ली थी ये टेम्पलेट वाज माय न्यू पैलेट। वाओ यार मैंने यहाँ पे सामान रख ली थी, मैं अपना ब्रश रख रही थी शायद या कुछ ऐसे ही रख रही थी और मेरा ने ऐसे करके उसके अंदर बचा और मेरे नेल बड़े हैं तो नेल के अंदर सारा आई शेडो बढ़ गया। एनीवेज अब हम लगाते हैं हमारा हाइलाइटर और एंड यस और अब बारी है सबसे लास्ट चीज की दैट इज लिपस्टिक। वैसे बड़े लोग लिपस्टिक लगाते हैं बट मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ तो मैं लगाऊंगी ये लैक्मे का लिप बाम और लिप ग्लॉस। सो गाइस इसी के साथ हमारी आज की लिपस्टिक के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। ओके गाइस तो मैंने ऑफ कैमरा जाके अपना हेयर स्टाइल कर लिया और थोड़े से मैंने इयररिंग्स डाल लिए और हेयर स्टाइल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल यहाँ पे आके दो ब्रेड्स कर ली और बस।
सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसे का लगा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बस खुद की तारीफ ज़्यादा ही होगी, बट चलो कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे का लगा, और अगर आपको मेकअप के रिलेटेड भी और वीडियोस देखने तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये ऐसे की वीडियोस बनाने में। सो या गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो, एंड मेक श्योर कि आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो करें। सो या बाय।